येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावदेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है आज के आज के इस भगवत गीता क्लास में। हमारा चल रहा है भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक नंबर 52। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर् व्यतिर्तरिष्यति तदागन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तो भगवान जो है अर्जुन को इस श्लोक के अंदर अर्जुन के बुद्धि को मोह के बंधन से मुक्त हो जाएगी तब उन्हें इस भौतिक संसार से विरक्ति का अनुभव होगा। जब अर्जुन की बुद्धि मोह के बंधन से मुक्त हो जाएगी और उनको इस भौतिक संसार से विरक्ति का अनुभव होगा। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बताया, 51 नंबर में, 51 श्लोक में भगवान ने बताया कि कृष्ण भावनामृत की विधि से व्यक्ति वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। पिछले मंडे पढ़ा ना अपन ने, है ना, भगवान ने बताया अर्जुन को क्या बताया कि कृष्ण भावनामृत की जो विधि है उससे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है ये तो भगवान ने बता दिया, पर भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि व्यक्ति जो है वैकुंठ धाम तो प्राप्त कर लेगा कृष्ण भावना भावित होके, लेकिन इस भौतिक संसार से जब वो पूर्णतया विरक्त होगा, जब तक इस भौतिक संसार में पड़ा रहेगा, भौतिक संसार से विरक्त नहीं होगा तब तक उसको कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति नहीं होगी, और कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति नहीं होगी तो वैकुंठ उसको धाम नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस श्लोक में भगवान जो है उस विरक्ति को प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं। कौन सी विरक्ति? जिस विरक्ति को प्राप्त करके अर्जुन जो है कृष्ण भावना भावित होके वैकुंठ धाम को प्राप्त करे। ठीक है, एक्चुअली इस श्लोक में भगवान जो है अर्जुन को बहुत दो महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं, दो महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं। आप नोट डाउन कर सकते हैं, बाद में अपन क्वेश्चंस पूछेंगे, है ना। पहले मैं आपसे पूछूंगी, आपको समझ में
आ गया कुछ आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा और उसके बाद में मैं अपने क्वेश्चंस पूछूंगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो इस श्लोक के अंदर क्या बता रहे हैं भगवान, दो बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत की विधि से व्यक्ति वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है, परंतु वैकुंठ धाम की प्राप्ति करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति इस भौतिक संसार से पूर्णतया विरक्त हो। तो इस विरक्ति को प्राप्त करने की विधि भगवान इस श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, अर्थात जिस समय तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी। तो इस बात से पता चलता है कि अर्जुन की जो बुद्धि है वो मोह रूपी सघन वन में फंसी हुई है, तभी तो कह रहे हैं ना भगवान कि पार कर जाएगी। भाई फंसी हुई नहीं है तो पार कैसे करेगी। अर्जुन की जो बुद्धि है वो क्या है, मोह रूपी सघन वन के अंदर फंसी हुई है ना। तो यहाँ पे भगवान उसको कह रहे हैं कि उनको अर्जुन को कह रहे हैं कि तभी तो बोल रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि जो है जब मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी है? तो भगवान ने मोह को सघन वन क्यों कहा है यहाँ पे, भगवान ने अपना जो मोह है उसको सघन वन कहा है ना, तो क्यों कहा है सघन वन। तो यहाँ पे भगवान देखिए भौतिक संसार को एक प्रकार का जंगल का है, जो भौतिक संसार है जिसमें हम रह रहे हैं वो एक जंगल है, ठीक है। अब इस संसार रूपी जंगल में मोह एक ऐसा स्थान है जो घना जंगल है, जंगल के अंदर भी एक घना जंगल है, सघन वन है ना। तो ये जो भौतिक संसार है इसके अंदर जो मोह रूपी सघन वन है, घना जंगल किसको कहते हैं पता है, घना जंगल ऐसा घना जंगल होता है कि वहां पे इतने पेड़ होते हैं, इतने पेड़ होते हैं कि सूर्य का प्रकाश दिखता ही नहीं, अंधा अंधकार रहता है बिल्कुल, इतने सारे पेड़ लताएं, एकदम सघन वन होगा, बिल्कुल वहां पे सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नजर नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे घने जंगल में इतना अधिक अंधकार होता है कि रात और दिन कभी पता नहीं चलेगा, क्यों कि सूर्य का प्रकाश आएगा ही, तुमको पता कैसे चलेगा कि दिन हुआ है कि रात हुई है, वहां तो रात ही रहती है, अंधकार ही रहता है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसे घने जंगल में सघन वन में फंस जाता है तो फिर उस स्थान से वो निकल भी नहीं पाता है, कैसे निकलेगा जब उसको कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, चारों तरफ अंधकार है, तो वो कैसे निकलेगा वहां से। तो स्थान में सूर्य का प्रकाश ना होने के कारण दिशा का पता ही नहीं चलेगा उसको, किस दिशा में जाएगा वो, वहीं घूमता रहेगा वो। तो यहाँ पर भगवान कलिल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कलिल का मतलब होता है, बहुत सारे अर्थ होते हैं कलिल के, मतलब यहाँ पे जो है वो अंधकार है। कलिल का मतलब क्या है, यदाते मोह कलिलम, मतलब कलिल मतलब अंधकार है। तो हमको ये समझना होगा कि मोह जो है वो अत्यंत घना अंधकार है, जो मोह है ना वो एक घना अंधकार है। तो जीव के आपको पता है कितने शत्रु है, जीव के 6 शत्रु है, आप सबको पता है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या, है ना। तो ये जो 6 शत्रु हैं, इन 6 शत्रुओं में से काम और क्रोध को तो कहा है अग्नि, काम और क्रोध को क्या कहा है, अग्नि कहा है। परंतु ये जो मोह है, मोह को क्या अग्नि नहीं कहा है, मोह को क्या कहा है, अंधकार कहा है, है? तो काम और क्रोध को तो क्या कहा है, अग्नि कहा है, और मोह को क्या कहा है, अंधकार कहा है। तो इस संसार रूपी जंगल में हम सभी जीवात्माएं विभिन्न स्थानों पर अलग अलग तरह के कष्ट पा रहे हैं, ठीक है। अब कोई जीवात्माएं तो काम और क्रोध की अग्नि में जल रही है, ठीक है, और कुछ जीवात्माएं जो हैं, आपने देखा जंगल में आग लग जाती कभी कभी, अपने आप आग लग जाती, घने घने जंगल जो होते हैं ना उनमें, उसको दावानल बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
दवानल बोलते हैं, अपने आप आग लग जाती है ना। तो उसी प्रकार से संसार के किसी स्थान में काम और क्रोध की आग उत्पन्न हो जाती है तथा उस स्थान पर स्थित जीवात्माएं जो होती है वो काम और क्रोध की आग में कष्ट पाती है। काम और क्रोध की आग में वो जो जीवात्माएं होती है वो कष्ट पाती है। तो इसके अतिरिक्त तो कुछ जीवात्माएं काम क्रोध की आग से कष्ट नहीं पाती है परंतु मोह के अंधकार में फंस जाती है। कुछ काम कुछ आत्माएं तो काम क्रोध की अग्नि में जल रही है, कुछ बच गई उनसे काम क्रोध की अग्नि में नहीं जल रही है तो फिर वो मोह के अंधकार में फंसी हुई है। तो यहाँ पर संसार रूपी जंगल एक ऐसा स्थान है जहां पर मोह रूपी सघन वन का अंधकार फैला हुआ है। अब अर्जुन की जो स्थिति है यहाँ पे, वो अर्जुन काम क्रोध और लोभ से तो बिल्कुल मुक्त है। अर्जुन में ना कोई काम है, ना कोई क्रोध है, ना कोई लोभ है, नहीं अर्जुन के अंदर। लेकिन मोह के अंधकार में अर्जुन यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो भगवान के शब्दों में कहा जाए तो अर्जुन की जो बुद्धि है वो मोह के अंधकार में फंसी हुई है। अर्जुन की जो बुद्धि है वो कहाँ फंसी हुई है? मोह के अंधकार के अंदर फंसी हुई है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर मोह के अंधकार को पार नहीं कर सकता है। अपनी बुद्धि के बल पर हम मोह के अंधकार को पार नहीं कर सकते, है ना। तो अर्जुन ने भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बहुत कोशिश की। अर्जुन ने खूब तर्क वितर्क दिए भगवान को, है ना, लेकिन जितने तर्क उन्होंने दिए वो उतने ही उनके तर्कों में खुद ही उलझ गए। अर्जुन ने जितने तर्क दिए भगवान को युद्ध ना करने के, उतने तर्कों में वो खुद अपने तर्कों के अंदर उलझते गए। तो अर्जुन की जो बुद्धि है मोह के अंधकार में भटक रही है अभी इस समय। अर्जुन की जो बुद्धि है ना मोह के अंधकार में। अब अर्जुन चाहते हैं, एक्चुअली मोह क्या है, अर्जुन का मोह भी क्या है, उनके संबंधी गण है। क्या चाह रहे हैं अर्जुन चाह रहे जो मेरे जो संबंधी गण है वो इंद्र तृप्ति का भोग करे, यही चाह रहे ना। अपने लिए तो इंद्र तृप्ति नहीं चाह रहे ना अर्जुन, अपने संबंधी गण के इंद्र तृप्ति के लिए वो युद्ध नहीं करके जीवन भर वनवास प्राप्त करने को तैयार है। भगवान को कह रहे हैं मैं जीवन भर वनवास भोग लूंगा पर आप मेरे संबंधियों को आप इनको इनके इंद्र तृप्ति में आप बाधक मत बनो, मतलब अपन ऐसा मैं नहीं करूंगा। परंतु इतना बड़ा त्याग करने के बावजूद भी वास्तव में मोह के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा त्याग अर्जुन कर रहे हैं लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, याद आते मोह कलिलम, तुम मोह में फंसे हुए अर्जुन, है ना। तो इस प्रकार के त्याग के द्वारा भी व्यक्ति अज्ञान के अंधकार में ही बना रहता है जब तक वो कृष्ण को आत्मसमर्पण ना करे। जब तक व्यक्ति भगवान कृष्ण को आत्मसमर्पण नहीं करेगा वो अज्ञान के अंधकार में फंसा हुआ, उसकी बुद्धि जो है वो फंसी हुई रहेगी, कहां पे, मोह में। तो सौभाग्य से अर्जुन ने तो भगवान के प्रति समर्पण कर दिया, पर तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारी बुद्धि जो है वो मोह के अंधकार को पार कर जाएगी। तो मोह के अंधकार में अर्जुन की बुद्धि ढकी हुई है अभी, मोह का अंधकार जो है वो अर्जुन की बुद्धि को ढका हुआ है यहाँ पे। तो भगवान तो ऐसे नहीं ना, अब जैसे एक अंधा व्यक्ति है उसको बाहर निकलना है, अंधकार से बाहर निकलना है, तो किसी आंख वाले व्यक्ति को हाथ पकड़ेगा तभी तो निकलेगा ना, वो अपनी मर्जी से कैसे निकल जाएगा, अंधकार में फंसा हुआ है वो, मोह घसगन वन में फंसा हुआ है वो, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है, कोई दिशा नहीं है उसके पास जाने की, तब वो बाहर कैसे निकलेगा, उसके पास कुछ तो होगा सहारा। तो यहाँ पे भगवान जो है वो अपने हाथ का सहारा देके अर्जुन को बाहर निकाल रहे हैं। तो कृष्ण का जो प्रभाव है वो अत्यंत दिव्य है, उनके दिव्य हाथ के स्पर्श से व्यक्ति अंधकार से प्रकाश के स्थान पर चला जाता है। भगवान ने अपना हाथ दे दिया तो आप व्यक्ति कितने भी अंधकार में पड़ा हुआ होगा वो प्रकाश के प्रकाश में आ जाएगा। तो बिल्व मंगल ठाकुर के यहाँ पे बहुत सुंदर एक प्रार्थना है,
उसमें बिलमन मंगल ठाकुर कहते हैं कि मैं संसार रूपी कूप में गिर पड़ा हूँ, कुएं में गिर पड़ा हूँ, संसार रूपी कूप में गिर पड़ा हूँ जो मोह रूपी अंधकार से भरा हुआ है। जो कुआ है वो मोह रूपी पानी होता है ना, उसमें वैसे मोह है, इसमें भरा हुआ है पूरा। काम वासना का भीषण ताप भी इसमें जला रहा है। आप मुझे अपने हाथ का सहारा दो भगवान, ताकि मैं इस कूप से बाहर निकल सकूं, मैं इस कूप से ताकि बाहर निकल सकूं। आप मुझे अपने हाथ का सहारा दो, है ना। तो यहाँ पे कौन निकालेगा बाहर हमको? हम कुएं अंधकार में, सगन वन के अंधकार में भी पड़े हुए, तो हमारे को वहां से कौन निकालेगा? अर्जुन ने तो कृष्ण को, कृष्ण ने तो अर्जुन को तो निकाल लिया, हमको कौन निकालेगा? देखिए, गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? गु मतलब होता है अंधकार और रु मतलब होता है प्रकाश। तो जो गुरु है वो हमको क्या करते हैं? अंधकार से प्रकाश की ओर खींच लेते हैं। हमारे जो गुरु होते हैं, क्योंकि गुरु का अर्थ ही यही है, गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश। तो कृष्ण के विषय में तो हम कह सकते हैं कि कृष्णम वंदे जगत गुरु। जो कृष्ण है वो संपूर्ण जगत के गुरु हैं, है ना। तो प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि वो भगवान की शरण ले। अब प्रश्न ये उठता है कि जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान की शरण ली, अब जीव हम लोग किस प्रकार से भगवान की शरण लें? अर्जुन ने तो भगवान की शरण ले ली, हम किस तरह से भगवान की शरण लें? तो सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में, आपके हृदय में भी, मेरे हृदय में भी, सबके हृदय में बैठे हुए ना परमात्मा के रूप में। जब वो देखते हैं वहां बैठे बैठे कि कोई जीव सचमुच मोह के अंधकार से बाहर निकलना चाहता है, सघन वन, मोह के सघन वन में जो पड़े हुए है बुद्धि हमारी, हम वाकई में वहां से अगर निकलना चाहते हैं, तो भगवान क्या करते हैं कि श्री कृष्ण शिष्य परंपरा में भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान जो होता है वो भेज देते हैं, वो गुरु को भेज देते हैं। जब भगवान देखते हैं कि परमात्मा के रूप में अंदर बैठे बैठे जब भगवान देखते हैं कि व्यक्ति निकलना चाहता है अंधकार से बाहर, तो वो गुरु को भेज देते हैं, है? तो उस जीव के निकट ऐसे गुरु को भेज देते हैं जो श्री कृष्ण के शिष्य परंपरा में श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त कर चुका है। अब ऐसे वैसे हर किसी को नहीं भेजेंगे भगवान, किसको भेजेंगे? जो एक्चुअल में भगवान का ज्ञान जानता है, जिनको भगवान ने ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, ऐसे गुरु उस जीव को कुछ नियमों का पालन करने का आदेश देते हैं और उसके हाथ का सहारा देते हैं। जो आदेश है ना गुरु का, वो है भगवान का, और गुरु का हाथ जो है, हाथ है वो, जो गुरु का आदेश है वो गुरु का हाथ है जो हमको अंधकार से निकालेगा। हम उन आदेशों का पालन करके उसको निकल सकते हैं बाहर, ऐसे नहीं निकल सकते हैं। जब गुरु हमको हाथ देते हैं, मतलब गुरु हमको आदेश देते हैं कि तुम, ये आदेश है मेरा, तो तुम अगर हम उसका पालन करेंगे तो हम बाहर निकल जाएंगे। अब क्योंकि हम जो शिष्य होते हैं वो कुछ देख नहीं पा रहे ना, सघन वन में पड़े हुए हैं, एकदम अंधकार है वहां पे, है? तो गुरु हमको वहां से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? उनके आदेशों के थ्रू। जो आदेश देंगे उनका हम पालन करेंगे। जब शिष्य मोह के अंधकार से बाहर निकल जाता है, प्रकाश में आ जाता है और सब कुछ फिर हम देख पाते हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद देखिए कितने महान है, महान गुरु है। उन्होंने कितने लोगों को, हिप्पियों को, कितने लोगों को इस अंधकार से बाहर निकाला, निकाला कि नहीं निकाला, विदेश जाके और यहाँ पे भी, है ना। तो श्रील प्रभुपाद हमारे जगत गुरु हैं, है? कृष्ण मंदे जगत गुरु, कृष्ण भी हमारे जगत गुरु हैं, और उसके बाद श्रील प्रभुपाद हमारे सबके गुरु हैं। तो यहाँ पे श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कह रहे हैं, तदा गंता से निर्वेदम श्रोत्र शुत।
अर्थात उस समय तुम सुने हुए और सुनने योग्य सबके प्रति अनमनस्क हो जाओगे। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के प्रारंभ में भगवान क्या कह रहे हैं, यदा, दो वर्ड यूज किए भगवान ने, यदा ते मोह कलिलम और तदा गंता से है। तो यदा का अर्थ होता है जिस समय, यदा मतलब जिस समय, और तदा मतलब उस समय। यदा मतलब जिस समय और तदा मतलब उस समय। तो यहाँ पे अर्थ क्या है, अर्थ ये है कि हमारी बुद्धि जिस समय मोह के जाल से छूट जाती है उसी समय हमारे अंदर भौतिक जगत के प्रति विरक्ति आ जाती है। भगवान बता रहे ना विरक्ति का सा, यहाँ पे विरक्ति कैसे आती है, क्या कह रहे हैं, यदाते मोह कलिलम तदागंतासि निर्वेदम है। तो जिस समय हमारी बुद्धि मोह के जाल से छूट जाती है उसी समय हमारे अंदर भौतिक जगत के प्रति विरक्ति आ जाती है। तो निर्वेद शब्द का यहाँ पे है जो वो नी, और अगर संधि विच्छेद करेंगे तो नी और वेद है ना। तो निह का अर्थ हुआ नहीं, और वेद के, वेद का आपको पता है वेद का मतलब होता है जानना, बहुत सारे अर्थ होते हैं वेद के, लेकिन यहाँ पे वेद का अर्थ है जानना। नी का अर्थ है नहीं और वेद का अर्थ है जानना। तो इस प्रकार से निर्वेद का क्या अर्थ हुआ, नहीं जानना या जानने की इच्छा नहीं करना, नहीं जानना या जानने की इच्छा नहीं करना, ये हुआ निर्वेद का अर्थ यहाँ पे। तो इस भौतिक संसार में जो जीवात्मा है वो अनेक वस्तुओं के जानने की इच्छा करती है। जितनी जीवात्मा है ना, आप, हम सबको, हमको कुछ ना कुछ जानना होता है, कुछ ना कुछ क्या, हर चीज जाननी होती है हम लोगों को। अब आज की शिक्षा की अगर बात करें तो कितना लोग रिसर्चेस कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं रिसर्च, जानने के लिए तो कर रहे हैं ना कुछ जानना है हमको, इसीलिए तो रिसर्च कर रहे हैं कितने सारे। परंतु यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो तुम रिसर्च कर रहे हो ये सब मोह है, ये जो तुम इतनी मेहनत करके रिसर्च कर रहे हो, भगवान कह रहे हैं जैसे ये शरीर विज्ञान है, ठीक है, विज्ञान की एक शाखा है शरीर विज्ञान। कोई आदमी एक दांत डेंटिस्ट है, दांत का सारा उसने कर लिया, पूरा घुस गया वो, पूरा जिंदगी उसने दांत के पीछे, या हड्डी का डॉक्टर है तो हड्डी के पीछे पूरा उसने लाइफ अपना निकाल दिया, लेकिन अल्टीमेटली क्या मतलब निकला कुछ, भगवान यहाँ पे उसको बता रहे जैसे सब मोह है। अब कुछ लोग पूरी लाइफ अपनी इन विषयों के अध्ययन में गुजार देते हैं, हैं? उनका जीवन का जो लक्ष्य है वो इन्हीं विषयों का अध्ययन होता है और इनके अतिरिक्त तो उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है। दांत का डॉक्टर है तो वो दांत की पूरी खाल निकाल लेगा, लेकिन इसके अलावा उसको कोई मतलब नहीं किसी से। तो भगवान यहाँ पे इन सबको क्या कह रहे हैं, मोह कह रहे हैं। अब मोह के अंधकार में व्यक्ति यह देखता ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है या वो शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है, वो बस उस दांत के पीछे पड़ा हुआ, हड्डी के पीछे, उस खून के पीछे, उस एक्सपेरिमेंट में पड़ा हुआ है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि हम मरेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे शरीर जब छूटेगा तो हमारा क्या होगा इस शरीर का। मोह के कारण व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है और शरीर के अंदर जो जीवात्मा है उसके साथ अपनी पहचान ना करके अपने आप को शरीर समझता है। हम जाते ना बोलते ए रिक्शा, रिक्शा वाला कोई जा रहा है पीछे, अगर आगे तो उसको बोलते ए रिक्शा हटो, वो क्या रिक्शा है क्या, वो तो आदमी है ना, रिक्शा को तो आदमी चला रहा है ना, तो हम क्या बोलते हैं, ए रिक्शा, ए ऑटो, हम लोग कभी ऑटो ऑटो रुकवाते हैं, ऑटो ऑटो है क्या, वो तो आदमी है ना, लेकिन हम तो वो शरीर के रूप में अपनी पहचान कर लेता है वो है। तो मोह के कारण व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है और शरीर के अंदर जो जीवात्मा है उसको पहचान ना करके अपने आप को शरीर समझता है। तो जिस समय व्यक्ति मोह के अंधकार से बाहर निकल कर भगवद गीता के प्रकाश में आ जाता है उस समय वो विचार करता है
कि मुझे विज्ञान की इन शाखाओं के अध्ययन से कोई मतलब लाभ होने वाला नहीं है, तो मुझे क्या करना है, मुझे तो श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेनी है ताकि मैं भव सागर से छूट सकूं, इस भव सागर से मैं छूट सकूं, भगवान की शरण लूंगा तो मैं इनका एक्सपेरिमेंट कर करके क्या कर लूंगा। है ना भाई, मैं इनका एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा तो मैं 84 लाख यूनियन में घूमता रहूंगा। अगर मैं इनका एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा तो मैं 84 लाख योनियों में घूमता रहूंगा, लेकिन मैं अगर भगवान के चरण कमलों की शरण ले लूंगा तो मैं भगवत धाम चला जाऊंगा, है ना। देखिए प्रकृति जो है वो प्रकृति में भगवान ने कितनी व्यवस्थाएं अच्छे से कर रखी है, ये जो प्रकृति है ना इसमें भगवान ने पता है क्या कर रखा है, अब जल का शुद्धिकरण करने के लिए क्या कर रखा है, बारिश की व्यवस्था कर रखी है भगवान ने, कर रखी है ना जल के शुद्धिकरण के लिए बारिश की व्यवस्था कर रखी है ना, नहीं तो जल सड़ जाएगा ना, है ना। वायु के शुद्धिकरण के लिए पेड़ों की व्यवस्था भगवान ने कर रखी है, पेड़ लगा रखे, उससे क्या होता है हवा शुद्ध होती है। लेकिन गीता के अनुसार यह विचार मोह का अंधकार है, तो श्री कृष्ण के आदेश से भौतिक प्रकृति सभी जीवों को शरीर प्रदान करती है, जो भौतिक प्रकृति है ना वो हमको सबको शरीर प्रदान करती है, किसके आदेश से, भगवान श्री कृष्ण के आदेश से है? उनके शरीरों का पालन और सुरक्षा भी करती है, भौतिक प्रकृति तो कर रही है ना हमारे शरीर की सुरक्षा कौन कर रहा है ना, लेकिन किसके आदेश से कर रही है, भगवान के आदेश से, और विनाश भी करती है, शरीरों का विनाश भी करती है भौतिक प्रकृति। है ना, तो यदि इन सभी बातों पर विचार किया जाए तो प्रकृति के चमत्कारों पर के स्थान पर हमें प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाले दुख ही दिखाई देंगे। यदि भौतिक प्रकृति में कुछ चमत्कार है तो वो किसका है, भगवान का ही तो है, कौन करता है चमत्कार, करता है तो भगवान ही तो करते हैं ना, परंतु इससे भी अधिक चमत्कार भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति में है। ये तो भौतिक प्रकृति है भगवान की, पेड़ हवा ये सब, लेकिन जो भगवान कि जो आध्यात्मिक जगत है वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति जो व्यक्ति मोह के अंधकार से मुक्त हो जाता है उसको निर्वेद प्राप्त होता है। निर्वेद प्राप्त होता है मतलब उसके अंदर भौतिक प्रकृति के चमत्कारों को जानने की इच्छा नहीं रहती है। भौतिक प्रकृति के जो चमत्कार हो रहे हैं ना उनको जानने की इच्छा उसकी रहती नहीं है, फिर वो आध्यात्मिक प्रकृति के बारे में सोचता है ना। एक और जीव की इच्छा होती है, पता है क्या, अलग अलग जगहों को देखने की इच्छा होती जीव की, अलग अलग स्थानों को देखने की इच्छा होती जीव की, है ना, भिन्न भिन्न अध्ययन करेंगे पढ़ेंगे, वहां जाना है वो देखना है वो जाना है, जो अमेरिका नहीं गया मेरे को अमेरिका जाना है, जो और कहीं नहीं गया अंडमान निकोबार जाना है मुझे, वहां जाना है वहां जाना है, ऐसे अलग अलग स्थानों को ढूंढने की देखने की लोगों की इच्छा होती है। परंतु गीता क्या कहती है, गीता कहती है सब मोह है, ये जो आपकी यहां वहां जाने की इच्छाएं होती है ना ये सब क्या है, मोह है। तो जिस समय व्यक्ति मोह के अंधकार से मुक्त हो जाता है उस समय उसको निर्वेद प्राप्त होता है, अर्थात उसके अंदर भौतिक सृष्टि के अनेक स्थानों को जानने की इच्छा नहीं रहती है फिर उसके, है ना, वह केवल इतना जानकर ही संतुष्ट रहता है कि भौतिक सृष्टि में जितने भी स्थान है उनमें सब में जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। भौतिक प्रकृति जहां पे जितने भी भौतिक संसार के अंदर जितने भी स्थान है वहां पे सब जगह जन्म मृत्यु जरा और व्याधि है, है ना, तो इससे अधिक उसको जानने की इच्छा नहीं रहती है। तो देखिए जानने की इच्छा सब में होती है, पशु पक्षियों में भी होती है, क्या सोचते हैं पशु पक्षी, हम भी हमारे में भी होती है, भोजन कहाँ है सुरक्षा कहाँ है, जानने की इच्छा होती है ना सबकी होती है। लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यक्ति मोह के अंधकार से मुक्त हो जाता है तो उस समय उसको निर्वेद प्राप्त हो जाता है,
मतलब इस भौतिक संसार के विषय में जानने की उसकी कोई इच्छा नहीं रहती। अब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के मन में कुछ भी जानने की इच्छा नहीं रहती है, कुछ तो वो जानना चाहता है लेकिन भौतिक जो चीजें हैं उनके बारे में वो नहीं जानना चाहता, निर्वेद प्राप्त हो जाता है उसको, है? तो जिस समय व्यक्ति इस भौतिक संसार में कुछ भी नहीं जानना चाहता उस समय उसके अंदर एक अन्य विषय को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। जब वो भौतिक प्रकृति के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता ना, तो फिर वो कुछ तो जानना चाहेगा, तो वो क्या जानेगा उस वक्त? वो भगवान श्री कृष्ण के विषय में जानना चाहेगा। क्या जानना चाहेगा वो? क्योंकि जानने की प्रवृत्ति तो है ना हमारी, जानना। तो जब हम भौतिक चीजों में नहीं इंटरेस्ट लेंगे तब हमको भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण की अवतारों के विषय में जानने की हमारी इच्छा होगी, उनके गुण के विषय में, भगवान के। तो जिस समय व्यक्ति मोह के अंधकार से मुक्त हो जाता है उसे इस बात को जानने की कोई इच्छा नहीं होती कि भौतिक संसार में सुख है। इस भौतिक जगत में सभी जीव जो है वो मोह के अंधकार में है, इसलिए उसके अंदर सदा यह जानने की इच्छा रहती है कि भौतिक संसार में सुख है। माया देवी उनको दिन रात बतलाती रहती है कि जीव इस भौतिक संसार में कितने प्रकार के सुख मिल सकते हैं। तो निर्वेद का अर्थ यहाँ पे हुआ जो व्यक्ति माया देवी के द्वारा उत्पन्न मोह के अंधकार से मुक्त हो जाता है उसके अंदर माया देवी की इन बातों को जानने की कोई इच्छा नहीं होती कि इस भौतिक संसार में किसी प्रकार का सुख है। वो नहीं जानना चाहता, वो जानता है कि इस भौतिक संसार में सुख है ही नहीं। दुखालय अशाश्वतम, दुखी दुख है इस भौतिक संसार में, सुख है ही नहीं, है ना? तो तब निर्वेद का अर्थ है यहाँ पे जानने की इच्छा ना होना। यदि अगर गहराई से अपन सोचोगे ना आप, तो आपको पता चलेगा कि यही एक विरक्ति है कि किसी के विषय में हमें कुछ जानना ही नहीं है, तो विरक्ति आ गई ना आप में। भाई कोई भी भौतिक वस्तु है इसके बारे में मुझे नहीं जानना है, तो निर्वेद आ गया ना, विरक्ति आ गई ना आपको। अब जैसे कोई व्यक्ति किसी के प्रति आसक्त होता है, कोई पुरुष है उस किसी स्त्री के प्रति आसक्त है, एक मिनट के लिए उदाहरण के लिए, तो वो उस स्त्री उसको हमेशा लगेगा कि वो क्या कर रही होगी, वो कैसी दिख रही होगी, उसने क्या पहना होगा, उसके बारे में ही वो सोचेगा, उसके बारे में और जानना चाहेगा कि वो क्या करती है, उसको क्या पसंद है, उसको क्या नापसंद है। क्यों? क्योंकि उसको उससे आसक्ति है। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर किसी पुरुष को किसी स्त्री से विरक्ति आ गई तो फिर वो उस स्त्री के बारे में नहीं जानना चाहेगा, विरक्त हो गया वो। तो यहाँ पे श्रोतव्य का अर्थ है सुनने योग्य, श्रोतव्य मतलब सुनने योग्य। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति मोह के अंधकार से मुक्त हो जाता है तो उसके अंदर सुनने योग्य विषय को जानने की इच्छा नहीं रहती। सुनने योग्य जो विषय है उनको भी जानने की इच्छा नहीं रहती। श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया था कि श्रोतव्य क्या है, मतलब सुनने योग्य क्या है, अर्थात हम किसके विषय में सुनना चाहिए हमको, पूरे भागवतम क्या है, यही तो है। परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन किया ना सुखदेव गोस्वामी से, पूरे भागवतम का सार यही है कि हमारे किसके विषय में। इसके बाद उन्होंने प्रश्न किया कि जो व्यक्ति मृत्यु के निकट है उसके लिए श्रोतव्य क्या है, उसके लिए सुनने योग्य क्या है, कि जो व्यक्ति मृत्यु के निकट है उसको क्या सुने है? तो मृत्यु के निकट आने पर व्यक्ति को किसके विषय में सुनना चाहिए? तो इस प्रश्न के उत्तर में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है, क्योंकि तुमने श्रोतव्य के विषय में प्रश्न किया है। भौतिकता में ग्रस्त व्यक्तियों के समाज में हजारों श्रोतव्य है,
अर्थात उनके लिए सुनने योग्य हजारों बातें हैं। किनके लिए? जो भौतिकवादी लोग हैं उनको तो सुनने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पारिवारिक कार्यों में ज्यादा रुचि लेते हैं, है ना। तो उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक विषय हैं। किसके पास? जो भौतिकवादी लोग हैं। लेकिन भौतिक प्रकृति द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण वे आत्म साक्षात्कार के विषय में कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। आप उनको बताओ, अरे आप ये इसमें मत पढ़ो, क्रिकेट का मैच मत देखो, आप थोड़ा सा ये नहीं, वो सुनना ही नहीं चाह रहे, हटो, क्या फालतू की बीमारी, हमारे को तो यही मैच देखना है। या कोई पॉलिटिक्स पे चर्चा हो रही है तो हमको तो पॉलिटिक्स पे ही चर्चा करनी है, हमको तो आपका ये सब हम क्यों करें, है ना। तो शिला प्रभुपाद भागवत के 2.1.2 दूसरे अध्याय के, तो सॉरी दूसरे कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड नंबर श्लोक में प्रभुपाद जो है वो भगवान के भगवत धाम वापस जाने की विधि बता रहे हैं। शिला प्रभुपाद आप पढ़ सकते हैं। तो भगवान के नाम क्या बता रहे हैं शिला प्रभुपाद? भगवान के नाम, रूप, गुण, उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करना, मूर्ख लोग इसे नहीं जानते। वे तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के नाम, रूप आदि के विषय में कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं, और वह नहीं जानना चाहते कि सुनने की प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किस तरह किया जाए। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जब व्यक्ति मोह के अंधकार से मुक्त हो जाता है तो उसके अंदर उन बातों को जानने की कोई इच्छा नहीं रहती जिनके बारे में भौतिकवादी लोग सुनना चाहते हैं। जिन विषयों के बारे में भौतिकवादी लोग सुनना चाहते हैं उन विषयों के बारे में उस व्यक्ति को जानने की कोई इच्छा नहीं रहती है। इसी तरह से श्रुतश्य का अर्थ है सुना हुआ। तो इसका अर्थ है जो पहले जो सुनने, इससे पहले तो भगवान ने बताया जो सुनने योग्य है, और अब कह रहे हैं जो सुना हुआ है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मोह के अंधकार से मुक्त हो जाता है उसके अंदर ना तो उन बातों को जानने की इच्छा होती है जो सुनने योग्य है या अभी तक सुनी नहीं गई है, और ना ही उन बातों को जानने की इच्छा होती है जो बातें पहले से सुनी गई है, है ना। जो व्यक्ति मोह के अंधकार से मुक्त हो जाता है उसको कोई लेना देना नहीं है, है ना, कोई बातों को जानना नहीं चाहता, वो जो सुनने योग्य है वो भी नहीं सुनना चाहता वो, और जो पहले से सुनी गई है वो भी वो नहीं सुनना चाहता है। तो देखिए शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे कि वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान तथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उससे पहले से ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। श्लोक नंबर 52 तो हमने कर लिया। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायस्ति निश्चला समाधाव चला बुद्धि तदा योगम पाप्यसी मवाप्यसी। जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। श्लोक नंबर 53 में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जब अर्जुन की बुद्धि कृष्ण भावनामृत की समाधि में अचल हो जाएगी तब उन्हें श्री कृष्ण का योग अर्थात मिलन प्राप्त होगा। भगवान से मिलन प्राप्त होगा अर्जुन को जब उनकी बुद्धि कृष्ण भावनामृत की समाधि में अचल हो जाएगी। तो पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बताया? पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि जब अर्जुन की बुद्धि मोह के अंधकार से मुक्त हो जाएगी तो उन्हें वेदों के कर्म कांड से विरक्ति का अनुभव होगा। यही पढ़ा ना अभी हमने,
अब इस स्थिति में व्यक्ति किस प्रकार से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है, इस विधि का इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं भगवान। किस विधि का वर्णन कर रहे हैं कि व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता को कैसे प्राप्त कर सकता है। भगवान ने पिछले श्लोक में तो कह दिया कि तुम बुद्धि तुम्हारे अर्जुन तुम्हारी बुद्धि जो मोह के अंधकार से जब मुक्त हो जाएगी तब तुमको वेदों के कर्म कांड से विरक्ति का अनुभव होगा। लेकिन अब बता रहे हैं कि विरक्ति के अनुभव करने के लिए स्थिति से व्यक्ति किस प्रकार से कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। विरक्ति कैसे होगी, उधर से विरक्ति होगी तभी तो कृष्ण में प्रेम आएगा ना। भौतिक चीजों से विरक्ति होगी उनकी तभी तो कृष्ण का प्रेम, क्योंकि अपन ने पढ़ा ना कि कुछ ना कुछ तो जानना ही है व्यक्ति को। तो जब वो उन उन वेदों के कर्मकांड से विरक्ति करेगा तभी तो उनको कृष्ण के बारे में, तो यहाँ पे कृष्ण की प्रसन्नता को प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं भगवान इस श्लोक के अंदर, है ना। और दो महत्वपूर्ण उपदेश अर्जुन को भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायस्ति निश्चला समाधा व चला बुद्धि, अर्थात जिस समय तुम्हारी बुद्धि वैदिक कर्मकांड से प्रभावित नहीं होगी और निश्चल रहेगी तथा कृष्ण भावनामृत की समाधि में अचल स्थापित हो जाएगी। तो यहाँ पे भगवान ने बुद्धि की तीन विशेषताएं बता रहे हैं, भगवान बुद्धि की यहाँ पे तीन विशेषताएं बता रहे हैं। पहली विशेषता बुद्धि की बता रहे हैं भगवान कि वैदिक कर्म कांड से विपरीत चलने वाली बुद्धि, ये जो बुद्धि है ये वैदिक श्रुति विप्रतिपन्ना ते बुद्धि, अर्थात वैदिक कर्मकांड के भोगों के प्रति बुद्धि किस प्रकार की हो, विप्रतिपन्ना हो। विप्रतिपन्ना का संधि विच्छेद करेंगे, वी प्लस प्रतिपन्ना, वी का मतलब हुआ विपरीत और प्रतिपन्ना का अर्थ हुआ उत्तर देने वाली। क्या हुआ, तो इस प्रकार से विप्रतिपन्ना का अर्थ हुआ विपरीत उत्तर देने वाली। हाँ, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि के लिए यह आवश्यक है कि श्रुति के विपरीत उत्तर देने वाली हो। श्रुति क्या है, श्रुति है वैदिक कर्मकांड को सुनने की जो क्रिया है, जो वैदिक कर्मकांड है उनको जो सुनने की क्रिया है वो श्रुति है, और उसके विपरीत आपकी बुद्धि हो। तो ऐसी बुद्धि जो वैदिक कर्मकांड को सुनने की क्रिया में विपरीत उत्तर देने वाली हो, रानू माता जी हरे कृष्णा, समझ आ रहा है, कुछ भी बीच में भी नहीं आता है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी बुद्धि जो वैदिक कर्मकांड को सुनने के क्रिया में विपरीत उत्तर देने वाली, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम वेदों की अलंकारिक भाषा में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों के फलों का वर्णन सुनते हैं तो हमारी बुद्धि सदा विपरीत उत्तर देती है। बहुत हैवी हो गया, नहीं समझ में आएगा, उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण के लिए वैदिक कर्मकांड में स्वर्ग की प्राप्ति को बहुत महत्व दिया गया है। वैदिक जो कर्मकांड है उनमें स्वर्ग की जो प्राप्ति है उसको बहुत महत्व, हमने पहले भी पढ़ा है पुष्पिता भूति पढ़ा ना, तो यहाँ पे आ गया कि स्वर्ग की प्राप्ति को बहुत महत्व दिया है और स्वर्ग का जीवन बहुत ही सुविधाजनक बताया गया। कौन कौन स्वर्ग जाना चाहते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। राज प्रभु, राजेंद्र प्रभु, दो दो हाथ खड़ा कर रहे हैं। कौन कौन स्वर्ग जाना चाहते हैं, कोई नहीं जाना चाहते, वेरी गुड। तो क्योंकि स्वर्ग का जीवन बहुत ही सुविधाजनक है तो वहां पे गंधर्व बहुत सुंदर गीत गाते हैं। चलिए थोड़ी देर स्वर्ग में चलते हैं, आंखें बंद कीजिए, सब आंखें बंद कीजिए और सुनिए। स्वर्ग में गंधर्व बहुत सुंदर गीत गाते हैं, सुंदर अप्सराएं नृत्य करती रहती हैं, वहां पर भूख प्यास का कोई कष्ट नहीं है, वहां पर गर्मी सर्दी बिल्कुल नहीं लगती, वहां पर मल मूत्र कीचड़ धूल जैसी गंदी वस्तुएं नहीं है,
वहां पर सुगंधित तथा शीतल मंद हवा चलती रहती है। वहां पर कभी बुढ़ापा नहीं आता और ना ही शरीर में थकावट ही आती है। शरीर से पसीना भी नहीं निकलता और ना ही शरीर से दुर्गंध आती है। शरीर के वस्त्र कभी गंदे नहीं होते। शरीर में धारण की हुई फूलों की मालाएं कभी मुरझाती नहीं है। देखिए स्वर्ग में क्या क्या होता है। वहां पर प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना एक विमान खड़ा होता है। जैसे आपके घर के बाहर आपकी गाड़ी खड़ी है ना, वैसे वहां पर एक विमान हेलीकॉप्टर आपके घर के बाहर खड़ा होगा, जो इच्छा के अनुसार आपकी इच्छा के अनुसार चलेगा। आपको कहने की भी जरूरत नहीं उसको कि तुम वहां चलो। आपने इच्छा करी और वो विमान आपको वहां पर लेके जाएगा। जिन लोगों की बुद्धि मोह के अंधकार में है, वे लोग जब ऐसे स्वर्ग की प्राप्ति के विषय में सुनते हैं तो उनकी बुद्धि सकारात्मक उत्तर देती है कि हाँ यह तो बहुत अच्छा है, ये जो स्वर्ग है ये तो बहुत अच्छा है, मुझे तो स्वर्ग ही जाना है। भाई अप्सराएं नृत्य कर रही है, गंधर्व गा रहे हैं, ना कुछ मल मूत्र गंदी चीजें नहीं है, हवाएं सुगंधित है। सबसे बड़ी बात, घर के बाहर विमान पड़ा हुआ है, जहां जाना चाहे क्यों नहीं जाना चाहेंगे स्वर्ग, तो मुझे तो स्वर्ग जाना है। परंतु जिनकी बुद्धि मोह के अंधकार से मुक्त है, ऐसे व्यक्ति ऐसे स्वर्ग की प्राप्ति की जब बात सुनते हैं तो उनकी बुद्धि विपरीत उत्तर देती है। जब उनकी बुद्धि क्या कहती है, विपरीत उत्तर देती है। सुनेंगे वो सब, लेकिन फट से उनकी बुद्धि फट से विपरीत जाएगी। आप बोलेगी अरे नहीं 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 नहीं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं, मुझे तो स्वर्ग नहीं जाना। क्यों? कि इतना ऐश्वर्य भोगने के बाद भी जब व्यक्ति को पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो नीचे आना पड़ेगा। कितने पुण्य करके हम ऊपर जाए हैं, लेकिन हमारे जैसे ही पुण्य क्षीण हुए फिर से हमको धरती पे आना पड़ेगा। तो इतना ईश्वरी भोगने के बाद भी जो व्यक्ति को नीचे गिरना पड़ता है तो उस समय बहुत कष्ट होता है। उस समय व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है। है ना? तो देखिए अर्जुन की जो है, एक्चुअली ये जो भगवान उपदेश दे रहे हैं ना, ये हमारे लिए दे रहे हैं, दे अर्जुन को रहे लेकिन हमारे लिए दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन की तो बुद्धि वैसे ही पहले से शुद्ध विप्रतिपन्ना है। अर्जुन की बुद्धि के, अर्जुन की तो स्थिति पहले से ही दिव्य है। अर्जुन तो पहले से ही दिव्य है। अर्जुन की बुद्धि तो पहले से ही शुद्ध विप्रतिपन्ना है। उनकी बुद्धि स्वर्ग के भोगों को सदा विपरीत उत्तर देने वाली है। जिस समय अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वर्ग गए थे ना अर्जुन, उस समय उनको स्वर्ग के सभी प्रकार के भोग प्राप्त हुए थे, परंतु उनकी बुद्धि ने भोगों को सदा विपरीत उत्तर दिया। क्या बोला? वे केवल अस्त्रों को सीखने में, जिस काम के लिए गए थे अर्जुन वही उसी में अस्त्रों को सीख चुके तब वो, तो अपने वनवासी भाइयों का स्मरण करते हुए स्वर्ग से पृथ्वी पे वापस आने की इच्छा करने लगे कि भाई मेरा काम हो गया, मैं अब जाना चाहता हूं। हैं? दूसरी बुद्धि की विशेषता भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, वैदिक कर्मकांड से प्रभावित ना होने वाली बुद्धि। पहली बुद्धि क्या थी? पहली बुद्धि थी वैदिक कर्मकांड से विपरीत चलने वाली बुद्धि, है ना? और दूसरी बुद्धि क्या है? वैदिक कर्मकांड से प्रभावित ना होने वाली बुद्धि। वो वाली तो विपरीत चल रही हो, ये प्रभावित नहीं हो रही है। तो बुद्धि की दूसरी विशेषता है श्रुति निश्चला बुद्धि। अब निश्चला का अर्थ क्या हुआ? जो चलती नहीं है। निश्चला, जो चलती नहीं है, चलायमान नहीं है, है ना? तो इसका अर्थ क्या है? देखिए बुद्धि स्वर्ग के भोगों को विपरीत उत्तर देती है, परंतु जब लगातार भोग प्राप्त होते रहते हैं तो ऐसी स्थिति में आ जाने पर बुद्धि प्रभावित हो जाती है ना? परंतु यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि की दूसरी विशेषता यह है कि निरंतर भोगों के प्राप्ति के बावजूद भी बुद्धि निश्चल बनी रहे।
तो अर्जुन की बुद्धि पहले से ही श्रुति निश्चला है, तो यह विशेषता अर्जुन की बुद्धि में है। अरे अर्जुन 5 सालों तक जो है भोग प्राप्त किया उन्होंने लगातार है, उसके बावजूद भी उनकी बुद्धि निश्चल बनी रही अर्जुन की। आपको पता है ना, जब भगवान जिस समय अर्जुन के पास उर्वशी आई थी रात्रि के समय में और निकट आके बोली अर्जुन से कि हे वीर, जब से मैंने आपके गुणों को सुना है तभी से मेरा मन आप पर लग गया है, मैं काम के वश में हूं, मैं बहुत दिनों से लालसा कर रही थी, कृपया आप मुझे स्वीकार करिए। उस समय अर्जुन की बुद्धि, लेकिन उस समय भी अर्जुन की बुद्धि निश्चला रही, चलायमान नहीं हुई। उन्होंने क्या कहा पता है, अर्जुन ने कहा देवी मेरे संबंध में और कोई बात सोचनी ही नहीं चाहिए तुमको, मैं तुमको सत्य सत्य कहता हूं तुम मेरी पूजनीय माता हो, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से हम देखते कि अर्जुन की बुद्धि ऐसे समय में भी निश्चला बनी रही है ना, जिस समय में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी विचलित हो जाते हैं। उर्वशी सामने आ जाए तो कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि भी वो हो जाए, लेकिन अर्जुन निश्चल रहे, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। तीसरा, बुद्धि की तीसरी विशेषता भगवान बता रहे, समाधाव चला बुद्धि, अर्थात समाधि में अचल बुद्धि। तो देखिये शिल प्रोपाद यहाँ पे समाधि की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। समाधि का अर्थ क्या होता है, समाधि मतलब कृष्ण भावना भावित, ठीक है। समाधि की 3 अवस्थाएं होती है, पहली ब्रह्म साक्षात्कार की समाधि, दूसरी परमात्मा साक्षात्कार की समाधि और तीसरी भगवत साक्षात्कार की समाधि। ये जो समाधि होती है ना, ये 3 तरह की होती है। कौन सी, पहली ब्रह्म साक्षात्कार की समाधि, दूसरी परमात्मा साक्षात्कार की समाधि और तीसरी भगवत साक्षात्कार की समाधि। तो भगवत साक्षात्कार का अर्थ क्या है, भगवत साक्षात्कार मतलब कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना मृत जो है वो भगवत साक्षात्कार है। तो पहले की 2 जो समाधियां हैं वो कौन सी, परमात्मा और ब्रह्म वाली, वो तो पूरी नहीं है, लेकिन जो कृष्ण भावना मृत भावित जो समाधि है वो पूर्ण है। तो क्योंकि कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावनामृत की समाधि में जब व्यक्ति होता है ना, तो उसका शरीर क्रियाशील रहता है और बुद्धि अचल रहती है। अब जिन समाधियों में शरीर टूटे कांच के समान, अब वो बहुत सारी समाधियां ऐसे लगा के बैठ जाते हैं ना, उसमें कोई समाधि का मतलब नहीं है। समाधि का मतलब है शरीर के सभी अंगों को कार्य में लगाना। समाधि का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसे बैठ जाना और समाधि करना, नहीं। समाधि का मतलब शिल प्रपात बताते हैं यहाँ पे कि कृष्ण भावनामृत है, मतलब अपने शरीर के सारे अंगों को भगवान की सेवा में लगाना। और क्योंकि कृष्ण भावनामृत में हमारी जो इंद्रियां हैं वो भगवान की सेवा में लगी रहती है, इसीलिए यह समाधि समाधि है, एक्चुअल पूर्ण समाधि है। इसलिए अब समाधि का मतलब आप वो मत सोच लीजिएगा, अपन वैसे समाधि सोचते ना दिमाग में आता है ना, समाधि सुनते ही अपना दिमाग क्या चलता है, वो ऐसे बैठ के और जो समाधि लगाते हैं, लेकिन वो समाधि एक्चुअल समाधि प्रभुपाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे, शिल प्रभुपाद कह रहे हैं जो समाधि है वो कृष्ण भावनामृत है ना, जिसका जिसके अंदर आपके सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हुई है, वो आपकी समाधि है। तो अर्जुन की बुद्धि जो है वो कृष्ण भावनामृत की समाधि में अचल है, तो यह विशेषता अर्जुन की बुद्धि में है। आपको पता है ना, जब अर्जुन भगवान के पास गए थे, जब भगवान ने कहा था दुर्योधन और दोनों तब लेने के लिए, तो भगवान ने कहा था कि मेरे पास कितना है, 10 करोड़ गोपों की नारायणी सेना है और प्रत्येक गोप मेरी तरह बलिष्ठ है, उसके अंदर कितनी 10 करोड़ नारायणी, 10 करोड़ गोपों की मेरी नारायणी सेना, अर्जुन तुम वो ले लो है। और एक तरफ कौन है, मैं अकेला निहत्ता, जो भी न युद्ध करूंगा और न मैं शस्त्र उठाऊंगा, अकेला निहत्ता हूं। तो भी अर्जुन ने क्या बोला कि मुझे तो कृष्ण आप ही चाहिए, मुझे तो आपकी नारायणी सेना, 10 करोड़ की नारायणी सेना गोपो की, इतने बलिष्ठ भी हैं पर आपकी तरह परमा को नहीं चाहिए। तो जब भगवान ने पूछा अर्जुन को कि पार्थ मैं तो युद्ध नहीं करूंगा,
अर्जुन वो दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, दुर्योधन ने कहा वाह पागल है अर्जुन, तो फिर ठग लिया मैंने कृष्ण को भी, मैंने नारायण सेना ले ली और ये तो 10,000 गोप किसको कहते हैं, तो वो भी भगवान के समान, क्या कृष्ण बड़ा खुश हुआ चला गया वो। उसके जाने के बाद भगवान ने अर्जुन को पूछा कि अर्जुन पार्थ मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, फिर तुमने क्या सोच के मुझे चुना, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा तुमने क्या। तो अर्जुन बोला भगवान मेरे मन में बहुत दिनों से अभिलाषा थी कि मैं आपको अपना सारथी बनाऊं। क्या कह रहे हैं अर्जुन, अपने जीवन रथ की बागडोर आपके हाथ में सौंप दूं, हैं? मेरी इस चिरकालिक अभिलाषा, बहुत लंबे समय से जो मेरी अभिलाषा थी उसको आप पूर्ण करें। तो इस बात से पता चलता है कि अर्जुन की जो बुद्धि है वो कृष्ण भावनामृत की समाधि में अचल है, अन्यथा ऐसी स्थिति में कोई भी कृष्ण का चुनाव नहीं करता है ना, क्योंकि लेकिन उनको पूरा विश्वास है भगवान के ऊपर, उनकी जो बुद्धि है अर्जुन की वो अचल है यहाँ पे। तो बुद्धि भगवान, बुद्धि की तीसरी विशेषता भगवान बता रहे हैं कि जब बुद्धि में पहली दो विशेषताएं होगी उसके बाद ये तीसरी विशेषता प्राप्त होगी। उसके बाद कह रहे तदा योग मवाप्यसी, अर्थात उस समय तुम्हें योग की प्राप्ति होगी। अब देखिए शिल प्रभुपाद योग की यहाँ पे 6 प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं। शिल प्रभुपाद की व्याख्याएं देखिए योग के विषय में, बहुत सुंदर व्याख्या है। शिल प्रभुपाद कह रहे हैं पहली, यह जान लेना कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है ना। पहली व्याख्या क्या कह रहे हैं शिल प्रभुपाद, यह बात केवल मनुष्य जीवन में ही जानी जा सकती है। शिल प्रभुपाद ने अनेक स्थानों पर गीता 15.7 में भगवान के कथन की व्याख्या करते हुए कहा, यदि भगवान का जीव यदि भगवान का अंश है तो अंश का कार्य है अंश की सेवा करना। हमारे ये शरीर है वो भगवान मान लें और हमारे ये हाथ हैं हम जीव मान लें, तो इस हाथ का क्या कर्तव्य है, इस हाथ का क्या वो है, इस हाथ का अंश का कार्य है अंशी की सेवा करना। तो ये जो जीव है उसका कार्य है भगवान की सेवा करना। अगर ये हाथ सोच ले कि नहीं मैं तो मेरे शरीर के मैं नहीं, मैं हाथ से कुछ उठाऊंगा नहीं, मुंह में नहीं रखूंगा, तो फिर इसका कोई मतलब है? अगर इसको काट के हटा दे तो इसका कोई मतलब है? इसका मतलब कब तक है? जब तक ये शरीर से जुड़ा हुआ है। इस हाथ का अर्थ है, इस हाथ का जब तक महत्व है तब तक ये शरीर से जुड़ा हुआ है। जैसे ही ये शरीर से अलग होता है इसका कोई मतलब नहीं रहता। तो जब हम श्री कृष्ण की सेवा करना बंद कर देते हैं हम स्वयं में अत्यंत निर्बल और दुखी हो जाएंगे। जिस प्रकार से हम, तो इस तरह से हमको यदि हम अपने आप को भगवान का नित्य दास समझेंगे तो ही हम श्री कृष्ण का नित्य योग प्राप्त होगा हमको। दूसरी योग की दे रहे हैं भगवान और प्रभुपाद, यह जान लेना कि हमारा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कार्य करना है। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि एकमात्र कर्तव्य हमारा है कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कार्य करने चाहिए हमको, है ना। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान यहाँ बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि आप अपने कर्तव्यों को छोड़ के और आप मेरे हरि नाम लो ना, बिल्कुल भी नहीं। भगवान कहते हैं अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए आप मेरा नाम लो, आप जो मेरा जो करते हो मेरी भक्ति करते हो आप तो अपने कर्तव्यों का पालन, भगवान ने कहीं भी नहीं कहा कि आप ये सब छोड़ के पत्नी और बच्चों को छोड़ के और आप मेरे पास आ जाओ मेरी भक्ति करो, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जो अपने कर्तव्य है उनका पालन करते हुए अगर आप भक्ति करते हो तो यहाँ पे यही दूसरा तीसरा पॉइंट बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, ऐसी स्थिति में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है। श्रील प्रभुपाद ने देखिए वृंदावन भी छोड़ दिया जो कि भगवान श्री कृष्ण ने, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? भगवान कृष्ण की क्या करने के लिए,
कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने छोड़ दिया। चौथा है, कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की चौथी व्याख्या है योग की, इस दिव्य अवस्था में कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश समझे जा सकते हैं। योग की तीसरी व्याख्या में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है। कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने का एक परिणाम यह भी है कि जिस दिव्य अवस्था में कृष्ण के सारे आदेश समझे जा सकते हैं। देखिए जो बड़े बड़े भक्त हुए ना, माधवेंद्रपुरी, जैसे माधवेंद्रपुरी का कथा आपने सुना होगा, श्री माधवेंद्रपुरी को भगवान ने खुद ने आदेश दिया कि मैं यहाँ पे झाड़ियों में दबा हुआ हूं, तुम मुझे आके निकालो, है ना। तो फिर और उसके बाद उनको निकाला तो फिर उन्होंने बताया कि अभी मेरे शरीर का ताप दूर नहीं हो रहा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो मेरे लिए चंदन लेके आओ मलय पर्वत जाके। तो वहां से चंदन लाने के बाद भी उनको फिर बाद में वापस सपने में आए वो कि आप चंदन को रेमुणा में गोपीनाथ को लेप करो, है ना। तो इस प्रकार से, और शिल रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ भी ऐसा हुआ वो ना श्याम कुंड के पास में खुदाई कर रहे थे कुएं की, तो वहां पे शिला टूटी और उसमें से खून निकलने लगा। शिला को खुदाई करते करते शिला में से खून निकलने लगा, तो वहां पे बताया कि ये गोवर्धन की जिह्वा है। तो ऐसे जो बड़े बड़े भक्त हुए ना, उनको वाकई में भगवान बता देते थे कि मतलब मैं हूं यहाँ पे, है ना। तो पांचवा है, ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। तो भक्ति में निश्चय का अर्थ है कि जिस समय भक्त के जीवन में प्रतिकूल घटनाएं घटती है, हमारे जीवन में जब प्रतिकूल घटना है तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर प्रतिकूल होने पर भगवान को छोड़ देते हैं, भगवान नाम लेना छोड़ देते हैं लेकिन हमको अपने श्री कृष्ण की सेवा के प्रति अपना निश्चय बनाए रखना चाहिए। हमको प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमको भगवान की सेवा नहीं छोड़नी है, है ना। जैसे सीता जी का उदाहरण हम ले सकते हैं यहाँ पे, जो सीता मैया थी वो भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए जब आज्ञा हुई जाने की, तो वो बोली मैं भी चलूंगी आपके साथ में, दृढ़ निश्चय कर लिया। राम जी ने कहा अरे तुम कहाँ चलोगी, कहाँ नहीं, लेकिन बोले नहीं तो चलूंगी। उसके बाद जब उनका अपहरण हो गया, तब भी रावण ने क्या कम ऐश्वर्य बताए थे उनको, बताया कि ये देखो कितना सुख और ऐश्वर्य बताया, लेकिन वो बिल्कुल डगमगा ही नहीं, अटल रही वो कि नहीं मुझे तो मेरे राम के पास ही जाना है, मुझे तो नहीं रहना तुम्हारे यहाँ पे, जितनी भी सुविधाएं हैं सब मुझे तो यहाँ पे नहीं रहना, है ना। तो इसी तरह से रावण के जीवन में सीता जी ही एक ऐसी स्त्री थी जिसके रावण सभी प्रयासों के बावजूद भी अपना निश्चय नहीं बदला, और बाद में भी लोकापवाद के डर से जब सीता जी को त्याग दिया राम जी ने, तो उस समय भी सीता जी ने श्री राम के प्रति अपना निश्चय नहीं बदला। ऐसा नहीं कि बाद में बदल दिया, बोली नहीं अब तो मैं बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि कोई अपराध न होने पर भी श्री राम ने मेरा परित्याग कर दिया है, फिर भी मैं मन वचन और कर्म से अपने उन पतिदेव को कोई अपराध नहीं करूंगी, सदा अपने मन में उनके मनोहर चरणों का ध्यान करती रहूंगी। सीता मैया क्या बोली। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्दोष होने पर भी सीता जी के प्रति राम का व्यवहार अत्यंत कठोरता अपन थे, सीता जी ने कभी भी अपनी सेवा में उनका निश्चय नहीं बदला, है ना। तो भगवान के द्वारा भक्त के निश्चय की परीक्षा है योग में, उन्नत भक्त श्री कृष्ण की सेवा में अपना निश्चय अटल रखते हैं सीता जी की तरह, है ना। सिक्स्थ है, इस अवस्था में कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होता है। तो श्रील प्रभुपाद योग की छठी व्याख्या क्या कर रहे हैं कि जो इस अवस्था में, जो योग की अवस्था में व्यक्ति होता है, तो उसके जो प्रतिनिधि गुरु होते हैं उनकी आज्ञाओं का पालन मात्र करना होता है उसको, है ना। पालन मात्र करने का मतलब यह हुआ कि भक्त अच्छी तरह जानता है कि उसके जीवन में जो भी सफलता आ रही है वो भगवान की वजह से आ रही है और गुरु की वजह से आ रही है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमको थोड़ी सी भी सफलता मिली हम कॉलर ऊंचे हो जाते हैं कि नहीं, लेकिन नहीं, ये जो भक्त होता है वो सोचता है कि इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है, ये मेरे भगवान श्री कृष्ण और गुरु की आज्ञा के बल पर ही ये सफलता मुझे प्राप्त हुई है। श्री कृष्ण आंदोलन जब प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद ने छेड़ा था, तो उनका प्रभाव जो था संपूर्ण पृथ्वी पर इतना फैल गया था ना, तब श्रील प्रभुपाद को एक इंटरव्यू में पूछा गया कि
आपका जो है उनसे पूछा कि आप कितने प्रसन्न हैं, क्योंकि अब तो संपूर्ण पृथ्वी में आपका प्रभाव फैल रहा है। तो श्रील प्रभुपाद ने, पता है क्या, बहुत इजीली श्रील प्रभुपाद बोले कि मैं तो सिर्फ अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ, है ना। तो अर्जुन का जो है यहाँ पे, जब अर्जुन को भी भगवान ने पूरा गीता का ज्ञान दे दिया, तब उन्होंने अर्जुन से प्रश्न किया भगवान ने कि उपदेश को तुमने ठीक से सुना भी है अर्जुन, जो मैंने दिया है, और तुम्हारा संदेह दूर हुआ कि नहीं। तब अर्जुन क्या बोले पता है, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति प्राप्त हो गई, अब मैं संशय रहित और दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहे हैं, उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेश अनुसार कर्म करे। इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है, वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है, यही मोह कहलाता है। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। अतः उन्होंने पुनः भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया, वापिस उठा लिया अर्जुन ने धनुष और बाण, इतना सुनने के बाद।